हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बीच में। एक तरफ होंगे बोट के नए नेक बैंड जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुए हैं, जिनका नाम है बोट रॉकर्स 335, तो दूसरी तरफ होंगे रियलमी बर्ड्स नियो। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में कोई डाउट है तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में से हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होने वाला है। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का सेट दबा के लाइक सेट ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स के डिजाइन के बारे में। दोस्तों, बोट के जो नेक बैंड्स हैं, इनके बारे में कंपनी का कहना है कि ये उनका गोट प्रोडक्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इससे पहले कंपनी ने इस तरह के नेक बैंड्स अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं किए हैं। अगर दोस्तों इनके डिज़ाइन की बात की जाए तो इनका डिज़ाइन सुपर स्पोर्टी है, यानी कि आप रनिंग करते समय, वर्कआउट करते समय इन नेक बैंड्स को पहन सकते हो, आपके कान से ये निकलेंगे नहीं। इसके साथ दोस्तों, इन नेक बैंड्स में एलोए और सिलिकन मटेरियल का यूज़ किया गया है। सिलिकन मटेरियल के यूज़ के कारण आप इनको बीच में से फोल्ड कर सकते हो। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे नेक बैंड्स देखे होंगे कि वो प्लास्टिक मटेरियल के आते हैं और आप उनको बीच में से फोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप उनको बीच में से फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो वो टूट जाते हैं, लेकिन बोट के इन नेक बैंड्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको बीच में से ईजिली से फोल्ड कर सकते हो, तो डिज़ाइन के मामले में बोट के नेक बैंड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं Realme Buds Neo के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, Realme Buds Neo का जो डिज़ाइन है वो कॉपी किया गया है एप्पल के iPods से, यानी कि जिस तरह का डिज़ाइन एप्पल के iPods का है उसी तरह का डिज़ाइन Realme के Buds Neo का है। लेकिन आपके कान में जो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे वो बोट के नेक बैंड्स रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको रबर्स की जो है वो टिप्स मिल जाएंगे जो कि आपके कान में कंफर्टेबली फील कराएंगे। वहीं Realme Buds Neo में आपको ये सब नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद आपके कान में ये पेन करने लगेंगे। सो डिजाइन के मामले में यहां पर बोट रॉकर्स 335 आगे है Realme Buds Neo से। दोस्तों, ये तो हो गया दोनों ही प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स की वाटरप्रूफिंग के बारे में। बोट नेकबैंड्स में आप लोगों को IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आपको पसीना वगैरह आ जाता है तो आपको ये नेकबैंड्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपके पसीने वगैरह का इन नेकबैंड्स पर कोई असर नहीं होने वाला। साथ ही आप इनको हल्के मुल्के पानी में भी ले जा सकते हो। वहीं अगर बात की जाए Realme Buds Neo की, तो यहाँ पर भी आपको IPX4 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि इसमें भी थोड़े बहुत पानी और आपके पसीने का कोई असर नहीं होने वाला। सो वाटरप्रूफिंग के मामले में यहाँ पर दोनों ही जो नेक बैंड्स और ईयरबड्स हैं वो मुझे सेम से ही लगते हैं। दोस्तों, बोट के नेक बैंड के जो ईयरबड्स हैं वो आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जिसका मतलब है कि अगर आप इन ईयरबड्स को पास में लाते हो तो ये अपने आप एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपकने पर क्या होगा, जो आपके नेक बैंड में कोई म्यूजिक या गाना वाना बज रहा होगा वो अपने आप ही रुक जाएगा, यानी कि अपने आप ही पॉज हो जाएगा। तो ये बोट के नेक बैंड में एक फीचर है। दोस्तों, बोट के नेक बैंड में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जो इसकी रेंज होगी वो 10 मीटर की होने वाली है, यानी कि आप 10 मीटर के एरिए में अपने मोबाइल को रख कर अपने नेक बैंड से कोई भी म्यूज़िक चला सकते हो, अपनी कॉल्स पिक कर सकते हो, सब काम आप अपने 10 मीटर के एरिए में अपने नेक बैंड से कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए Realme Buds Neo की, तो इसमें भी आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसकी भी जो रेंज होगी वो 10 मीटर की आपको देखने को मिलने वाली है। सो ब्लूटूथ और रेंज के मामले में यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। दोस्तों, दोनों ही प्रोडक्ट्स में हमें इनबिल्ट माइक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब है कि हम अपने दोनों ही प्रोडक्ट से अपनी कॉल्स को पिक करके बातें कर सकते हो। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए बटन्स की, तो बोट नेकबैंड में आप लोगों को बटन्स देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप गूगल वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हो, अपनी कॉल्स को पिक कर सकते हो, अपना म्यूज़िक चेंज कर सकते हो। वहीं Realme Buds Neo में हमें बटन्स देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर हमें टच कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना अगला ना चेंज कर सकते हो, अपनी कॉल्स को पिक कर सकते हो, गूगल वॉइस असिस्टेंट को ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, Realme Buds Neo का जो टच कंट्रोल है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको अगला गाना चेंज करना है तो 2-3 बार आपको ये टैप करना होगा, तभी ये वर्क करेगा। इसकी जो टच कंट्रोल है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करता, तो ये Realme Buds Neo में ड्रॉबैक है। वहीं बोट में ये प्रॉब्लम नहीं है, बोट में हमें बटन्स दे रखे हैं और इससे आप इजीली से गूगल वॉइस असिस्टेंट अपने अगले गाने को चेंज कर सकते हो, या कहें अपनी कॉल्स को इजीली से पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर बोट नेकबैंड आगे निकल जाते हैं Realme Buds Neo से।
दोस्तों बोट के नेक बैंड्स में आप लोगों को एक फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है जो कि है डबल डिवाइस कनेक्शन का। ये फीचर आपको रियलमी बड्स नियो में देखने को नहीं मिलता। डबल डिवाइस कनेक्शन का मतलब है कि एक साथ आप अपने नेक बैंड्स को दो डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स की साउंड क्वालिटी के बारे में। बोट के जो ये नेक बैंड्स होंगे इनमें आपको 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि क्वालकम APTX HD टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपको इन नेक बैंड्स में HD साउंड का मजा आने वाला है। इसके साथ आपको दोस्तों इसमें क्वालकम CVC नॉइज कैंसिलेशन भी देखने को मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर बोट के जो नेक बैंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं Realme Buds Neo की साउंड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों Realme Buds Neo में आप लोगों को 13mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को काफ़ी पंची बेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही इन ईयरबड्स में आप लोगों को गेमिंग मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इनमें आपको 119ms की लो लेटेंसी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों बोट के जो नेक बैंड्स हैं इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई Realme Buds Neo से। सो दोस्तों ये तो हो गई साउंड क्वालिटी की बात, अब बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बोट रोकर्स 331 में आप लोगों को 30 घंटों तक की टोटल प्लेबैक टाइम बैटरी देखने को मिल जाती है। वहीं Realme Buds Neo में आप लोगों को केस और ईयरबड्स दोनों की बैटरी मिलाकर जो टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है वो 17 घंटों तक का है। सो बैटरी के मामले में भी यहां पर बोट नेक बैंड्स आगे निकल जाते हैं Realme Buds Neo से। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए चार्जिंग की तो बोट नेक बैंड्स में आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इन नेक बैंड्स को 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो इनमें आपको 10 घंटों तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। वहीं Realme Buds Neo में फास्ट चार्जिंग नहीं है। सो दोस्तों ये तो हो गई दोनों ही प्रोडक्ट्स के फीचर्स। अब बात आती है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। दोस्तों दोनों ही प्रोडक्ट्स में से अगर हमें कोई चुनना हो तो हम बोट नेक बैंड्स को चुनेंगे क्योंकि इनमें बैटरी, साउंड क्वालिटी, डिजाइन सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है Realme Buds Neo से। वहीं अगर बात की जाए प्राइस की तो बोट नेक बैंड्स का जो प्राइस है वो 1999 रुपीज है। वहीं Realme Buds Neo का जो प्राइस है वो है 2499 रुपीज। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।